हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षित टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउस दिस इज द पार्ट 11 ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सब्जेक्ट नेम इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस क्या होता है ये हमारा पार्ट 11 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का इस सीरीज में हमारी 14 वीडियोस हैं आप एक बार सभी को जरूर चेक करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग क्या होता है डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न रिलेशनशिप एंड इनसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट जो डेटा माइनिंग है ये जो है प्रोसेस है किस चीज का डिस्कवर करने का पैटर्न रिलेशनशिप और इनसाइट किस में से लार्ज डेटा सेट में से इट इन्वॉल्व यूजिंग वेरियस टेक्निक एंड एल्गोरिथम टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा अनकवर हिडन पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन द पैटर्न फाउंड जो हमारे डेटा माइनिंग है इसमें इन्वॉल्व होता है वेरियस टेक्निक और एलगोरिथम का किस लिए फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन किसमें से रॉ डेटा जो होता है उसमें से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए वेरियस टेक्निक और एल्गोरिथम का यूज करा जाता है किसमें डेटा माइनिंग में और ये जो है क्या करता है ये अनकवर कर देता है हिडन पैटर्न्स और करता है प्रिडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन द पैटर्न फाउंड जो पैटर्न हमें फाउंड होता है अनकवर होता है उसके बेसिस पर ये जो है डिसीजन लेता है डेटा माइनिंग इज कॉमनली यूज टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग जो हमारे डेटा माइनिंग है ये जो है यूज करा जाता है सपोर्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी ट्रेंड्स हैं और साथ ही साथ डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द डेटा की पॉइंट्स अबाउट डेटा माइनिंग अब क्या क्या की पॉइंट्स हैं डेटा माइनिंग के नंबर वन टेक्निक्स डेटा माइनिंग इन्वॉल्व टेक्निक्स सच एज क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन रेग्रेशन एसोसिएशन रूल माइनिंग एनोमली डिटेक्शन एंड मोर जो हमारे डेटा माइनिंग है इसमें इन्वॉल्व होती हैं टेक्निक जैसे कि हमारे क्लस्टरिंग है क्लासिफिकेशन है रेग्रेशन हुआ एसोसिएशन रूल माइनिंग है एनोमली डिटेक्शन है ये सभी चीज जो है हमारी टेक्निक्स हैं डेटा सोर्सेस क्या है इट वर्क विद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग डेटा बेसिस टेक्सट डॉक्यूमेंट इमेजेस एंड मोर जो हमारे डेटा माइनिंग है इसके जो डेटा सोर्सेस है ये जो है किस किस के साथ में वर्क करता है ये जो है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि हमें मिलता है वेरियस सोर्सेस से जैसे कि डेटा बेसिस हुआ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इमेजेस हैं और भी बहुत सारे हैं प्रोसेस

हम रिफाइन कर सके उस प्रोसेस को नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन डेटा माइनिंग एप्लीकेशन इन बिजनेस फाइनेंस मार्केटिंग हेल्थ केयर फ्रॉड डिटेक्शन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड मोर जो हमारे डेटा माइनिंग है ये जो है अलग अलग जगह पर यूज करा जाता है बिजनेस में फाइनेंस में मार्केटिंग में साथ ही साथ हेल्थ केयर में फ्रॉड डिटेक्शन में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को करने के लिए इम्प्रूव और भी काफी सारी फील्ड में डेटा माइनिंग का यूज करा जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है डेटा माइनिंग का एम होता है आइडेंटिफाई करना पैटर्न्स ट्रेंड्स और रिलेशनशिप दैट माइट नॉट बी रेडिली एप्रेंट इन द रॉ डेटा प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है इट कैन बी यूज फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स बिहेवियर और आउटकम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा डेटा वेयर हाउसिंग डेटा वेयर हाउसिंग इज ए लार्ज सेंट्रलाइज रिपोजिशनरी दैट स्टोर इंटीग्रेटेड एंड हिस्टोरिकल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिजाइन टू फैसिलेट इफिशियंट रिपोर्टिंग एंड एना फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम मेकिंग इट इजियर फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन साइट आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड मेक इनफॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो हमारे डेटा वेयर हाउस है ये क्या है ये जो है एक लार्ज सेंट्रलाइज रिपोजिशनरी है जो कि स्टोर करता है इंटीग्रेटेड और हिस्टोरिकल डेटा जो कि कलेक्ट करा जाता है वेरियस सोर्सेस से विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट्स अबाउट डेटा वेयर हाउस अब की पॉइंट्स क्या है डेटा वेयर हाउस के नंबर वन पर्पस डेटा वेयर हाउसेस आर स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग बाई प्रोवाइडिंग ए कंसोलिडेटेड व्यू फ्राम डिफरेंट सोर्स डेटा इंटीग्रेशन डे इंटीग्रेट सुटेबल फॉर एनालिसिस जो हमारा डेटा वेयर हाउस है ये जो है इंटीग्रेट करता है डेटा को फ्रॉम वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम और ट्रांसफॉर्म कर देता है एक यूनिफाइड फॉर्मेट में जो की सूटेबल होता है एनालिसिस के लिए डेटा एग्रीगेशन डेटा एग्रीगेशन एंड समराइजेशन आर कॉमन इन रॉ डेटाउसेस टू फैसिलिटेट फैसिलिटेड क्वेरी ऑफ लार्ज डेटा हिस्टोरिकल डेटा डेटा वेयर हाउसेज स्टोर हिस्टोरिकल डेटा ओवर टाइम जो हमारे डेटा वेयर हाउसेज होते हैं ये स्टोर करते हैं हिस्टोरिकल डेटा और अलाउ करते हैं यूजर को एनालाइज करने के लिए ट्रेंड्स और पैटर्न परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन डेटा warehouses use यूज इंडेक्सिंग पार्टीशनिंग एंड अदर technique टेक्निक टू fast फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस जो हमारा डेटा वेयर हाउसेस है ये यूज करता है इंडेक्स का पार्टीशनिंग का और अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जिससे कि एंश्योर हो जो हमारी क्वेरी परफॉर्मेंस हो वो फास्ट है जल्द से जल्द हम जो है जो भी हमारे पास आ रही है उसको हम को, क्वेरी को उसकी परफॉर्मेंस हमारी जो है वो मेंटेनर है हम फास्टली उसके ऊपर वर्क कर सके हैं सेपरेशन फ्रॉम ऑपरेशनल डेटा बेसिस डेटा वेयर हाउसेज आर डिस्टिंग फ्रॉम ऑपरेशनल डेटा बेसिस यूज फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन एंड आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर एनालिटिकल वर्कलोड बिजनेस इंटेलिजेंस जिसको बी आई वी कहा जाता है डेटा वेयर हाउसेज आर ऑफ्टन ए कोर कम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इंटू एक्शनेबल इंसाइट जो हमारे डेटा वेयर हाउसेस हैं ये जो है कोर कंपोनेंट हैं किसके बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम के ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने में रॉ डेटा को एक एक्शनेबल इंसाइट में जिसके बेसिस पर जो है डिसीजन लिए जा सकते हैं किसी भी ट्वेंट्स के बारे में पता लगाया जा सकता है जिससे जो हमारा रॉ डेटा है जिससे हम समझ नहीं सकते उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे कि हम जो है पता लगा सकते हैं कि इस डेटा का हमें क्या कोई चीज़ हम जानकारी करना चाहते हैं तो हम उससे पता लगा सकते हैं ई टी एल प्रोसेस ई टी एल प्रोसेस क्या है ई स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्म एंड एल स्टैंड फॉर लोड प्रोसेस आर यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम ट्रांसफॉर्म इट इनटू द डिजायट फॉर्मेट एंड लोड इट इनटू द डेटा वेयर हाउस जो हमारा ए प्रोसेस है ये इसमें क्या है एक्सट्रैक्ट करना होता है ट्रांसफॉर्म और लोड यूज करा जाता है ए प्रोसेस का एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा को सोर्स सिस्टम से और ट्रांसफॉर्म करा जाता है डिजायर्ट फॉर्मेट में उसके बाद में लोड करा जाता है डेटा वेयर हाउस में फ्रेंड्स आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है और डेटा माइनिंग क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एम आई एस के पेपर में पूछा जाता है इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद हर्षित के नाम से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम